16 दिसंबर 1971 का वो युद्ध जिसमें भारत पाकिस्तान पर विजय हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खां नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। उस जीत का जश्न देश आज तक मनाता रहा। आज भी इस ऐतिहासिक दिन को याद कर हर सैनिक का सीना चौड़ा हो जाता है। इस ऐतिहासिक जीत के जश्न को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो युद्ध है जिसके अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी तत्कालीन कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायुसेना को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की। युद्ध शुरू होने के बाद पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने जैसोर और खुलना पर कब्जा किया और इसी के साथ भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। अंधेरा घिरने के बाद स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू नजर आए। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी के चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बना दिया। बाद में नियाजी को बाहर निकाला गया। इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है।